हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ व्हाट्स इन माय पेंसिल केस। तो मेरे पेंसिल केस में क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो स्टेशनरी लवर हैं उनको पता रहता है कि अगर आप किसी के स्टेशनरी बैग में या पेंसिल केस में देख रहे हैं तो आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें या बहुत ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो सेटिस्फाइंग होंगी, जिसको देखना या फिर जिनको लेना लेने का आपका मन होगा और आपको उसके बारे में जानना होगा। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और देखते हैं कि मेरे इस पेंसिल केस में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पेंसिल केस के बारे में बता दूँ, ये DIY स्टोर से ख़रीदा हुआ डोनेटी का पेंसिल केस है जो कि जूट का बना हुआ है। तो ये जूट का बैग है और इसका साइज़ जो नॉर्मल पेंसिल केसेस होते हैं उनसे लंबा है। तो ये एक नॉर्मल सा पेंसिल केस है और इससे ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये थोड़ा लंबा है जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा कभी कभी ये कैरी करने में बैग में दिक्कत होती है, बट इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो चलते ओपन करते हैं और वन बाय वन आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो ये एक पाउच है जो इसके अंदर मैंने रखा हुआ है, तो इसको मैं बाद में दिखाती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें, इसमें बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है एक स्टिकी नोट्स का पैक जो मेरे इसमें रहता है। और उसके बाद में मेरे पास ऑलवेज, अगर आपने पिछले मेरे वीडियोज़ देखे होंगे व्हाट्स इन माय बैग पे, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने बैग से निकालती नहीं हूँ। तो ये हैं वो हाइलाइटर्स हॉज़र के, जिनमें कि आगे विंडो टिप होती है ये, और डुअल पॉइंट होते हैं, तो इनका नाम ही कॉम्बो है। तो ये 5 कलर्स के हाइलाइटर्स मेरे पास रहते हैं। और नेक्स्ट जो है मेरे पास इसमें है ये आर्ट लाइन के कैलीग्राफी पेन्स हैं, जिसमें से 3.0 काफ़ी मोटा लगता है लिखने में, और मैं ज़्यादातर 1.0 और 2.0 यूज़ करती हूँ। 3 जो है काफ़ी थिक है, तो बड़े लेटर्स लिखने हो तब काम आ सकता है, छोटे लेटर्स में नहीं काम आता, इसलिए मैं इसको कम यूज़ करती हूँ। तो ये है, नेक्स्ट जो है दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट है मेरे पास ये फैबर कैस्टल के फाइन लाइनर्स हैं, तो ये भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ और ये जो है बहुत ही अच्छे चलते हैं। इनका एक पेन जो है लगभग फिनिश पे आ गया है, तो अब मुझे पता नहीं कि इसकी इंक कैसे निकल होगी और कहाँ मिलेगी। तो ये है और ये परमानेंट मार्कर्स हैं। उसके बाद में हर जर्नलिंग पर्सन का फेवरेट जो हर कोई लेना चाहता है वो है ये माइक्रॉन। बिल्कुल सही आपने सुना, ये माइक्रॉन्स, अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि ये फाइन लाइनर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी ब्लैक हैं, इसका कलर सेट भी आता है और इनका लिंक मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँ। और उसके बाद में मेरे पास हैं ये पेंटोनिक की रिट्रैक्टेबल पेन की रिफ़िल्स हैं, जो कि इस समय इसमें नहीं है पेन, क्योंकि मेरी लगी थी ड्यूटी और उस ड्यूटी में मुझे पेन की ज़रूरत थी और पाउच वगैरह बैग वगैरह कुछ अंदर ले नहीं जाना था, तो मैं वाटर बॉटल में के जो बैग होता है उसमें पेन रख के ले गई थी, तो वो बैग में ही अभी तक पड़े हुए हैं, अभी मैंने निकाले नहीं हैं, तो वो पेन उसमें है पेंटोनिक के रिट्रैक्टेबल। तो ये उसकी रिफ़िल है। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत एसेंशियल होती हैं पेंसिल केस में, ये है कटर, फिर ये है एक एक्सपेंडेबल रूलर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद में एक ये है करेक्शन पेन और ग्लू स्टिक, ग्लू दोनों में अंतर है क्योंकि अगर आपको एक से ब्लॉटिंग पेपर पे कुछ चिपकाना है तो ग्लू स्टिक ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, इसका जो स्टिकिंग क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो थोड़ी कम होती है, जबकि ग्लू की ज़्यादा होती है, तो इसलिए दोनों रखे हुए हैं। उसके बाद में एक शार्पनर, और शार्पनर के बाद मेरे पास है ये
वुडन पेंसिल, तीन इसलिए कि कभी कभी बच्चों के पास पेंसिल नहीं होती है तो हम लोग को देना रहता है, तो ये मेरे लिए है और ये बच्चों को देने के लिए एक्स्ट्रा पेंसिल मैंने रखी है। उसके बाद में एक ये इरेजर है रिट्रैक्टेबल अप्सरा का, और एक इरेजर ये भी है जो कि एक कपकेक के शेप में है, तो ये रखा हुआ है। एक हेयर टाई है मेरे पास जो इसमें पड़ी हुई है। उसके बाद में एक छोटा रूलर भी है मेरे पास स्टील वाला। और उसके बाद में आगे चलते हैं, तो ये एक जेली रोल 08 सकुरा पेन है और ये वाइट चलता है, तो ब्लैक अगर आपको जर्नलिंग ब्लैक पेपर पे करनी है तो ये उसके लिए इफ़ेक्टिव रहता है, तो ये एक है। उसके बाद में मेरे पास एक ये मैकेनिकल पेंसिल है जो कि 2.0 लेड की है और ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, रेड कलर की थी। आप देख रहे हैं क्लिप के पास इसका रेड कलर बचा है, बाकी जो है रेड कलर इसका सब छूट गया है, और ये बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। तो उसके बाद में मेरे पास दो ये फाइलर्स हैं जो मेरे पेंसिल केस में हैं। उसके बाद में ये कुछ कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ और 1 रुपी का कॉइन। तो दैट्स ऑल इन माई पेंसिल केस। और अब चलते हैं मोस्ट अवेटेड और माई लवलीस्ट थिंग्स इन माई पेंसिल केस इज दिस पाउच। तो इसमें मेरे हैं फाउंटेन पेन्स, तो ये है फ्लेयर गोल्ड फाउंटेन पेन इन विद ब्लैक इंक, ये है हॉजर जो इंक विद ब्लू इंक, ये है फ्लेयर इंकी पेस्टला विद ब्लू इंक, फिर उसके बाद में ये है पेरिकार्डिन विद ब्लू इंक, नेक्स्ट है ये फ्लेयर 336 विद रेड इंक, और फिर है ये दो पेन का सेट है जो कि सब मैरीन के हैं, और इनकी कॉस्ट आई थिंक इन पूरे पेन्स में सबसे ज़्यादा कॉस्टलियस पेन है, और ये पूरी एनग्रेव्ड है, इसमें जो है ये ब्रास की कटिंग की गई है पेन में, तो ये एम्बोज्ड पूरा बना हुआ है, और ये गोल्ड प्लेटेड पेन है, तो एक इसमें बॉल पेन है जो कि रोटेट होके ओपन होता है, और एक ये जो है जेल पेन है, रोलर बॉल जेल पेन है, तो ये इस तरह का है। तो इसकी बॉडी बहुत ही सुंदर है, उसमें बहुत स्टाइल के पेन आते हैं सब मरीन में, आप चेक करेंगे तो ये सारी चीज़ें मेरे पेंसिल केस में रहती हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।